नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ और आपके रीजनिंग और क्वांट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ और जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन से लेकर सब कुछ एग्जाम एनालिसिस वो सब मैं यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत दिन से इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, कमेंट पूछ रहे थे कि सर जुलाई में जो IPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी सर उसका क्या हुआ, अब वो कहाँ पे आएगा, क्या होगा, उसको कुछ पता नहीं चला। तो फाइनली उस पर मोहर लग गई है। अब आप बस बता सकता हूँ आपको कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी वैकेंसीज आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, तैयारी करते रहना है। इसकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपकी होने वाली है, ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना है क्योंकि इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको हरी झंडी दे दी है कि 13 लैंग्वेजेस में इसकी एग्ज़ाम के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंड बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम इन 13 लैंग्वेज। तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिलीज ए नोटिस रिगार्डिंग द होल्डिंग ऑफ द IPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। द कमिटी हैज इशूड ए नोटिस दैट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विथ इंग्लिश एंड हिंदी इन द अपकमिंग एग्जाम्स फॉर द क्लर्कल लेवल एट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अर्लियर 5830 वैकेंसीज वेर रिलीज्ड बाई द IBPS, बट आफ्टर फ्यू डेज द फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड द रिक्रूटमेंट फॉर द डिसीजन टेकन फॉर द एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेजेस हैज बिन रिलीज्ड ऑन द नोटिस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन 30 September 2021 टूडे। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट IBPS क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो विल रीओपन सून इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर 2021। सो लेट्स प्रिपेयर, हम लोग को प्रिपेयर करते रहना है और अच्छे से प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है ताकि अब इस बार तो सिलेक्शन ले ही लेना है जिनका हो गया है। इधर IPS RRB PU RRB क्लर्क या SBI क्लर्क में उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मैं एक्चुअली बात करता हूँ उन लोगों का जिनको नहीं हुआ है। ठीक है, जो नहीं हुआ है वो बहुत निराश थे कि सर एक वो भी वैकेंसीज होल्ड पे चली गई या और भी बला बहुत सारी चीज़ IPS PO के नोटिफिकेशन नहीं आई। तो बिल्कुल IPS PO भी आएगी, IPS क्लर्क भी आएगा, SBI PO भी आएगा और LICS की वैकेंसी की भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। NISCL के AO की वैकेंसी आ गई है और NISCL के असिस्टेंट की भी वैकेंसी जरूर आएगी। तो आप लोग को प्रिपेयर रहना है, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है और पढ़ाई को अच्छी तरह से तरीके से करते रहना है। फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसकी वैकेंसी आ जाएगी, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक में ही या नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाए IPS क्लर्क का। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है दोस्तों, तो हमें पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम लगन से पढ़ना है और निकाल के दिखाना है इस बार। ठीक है, तो बस यही था। यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी नोटिस वगैरह सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। आप सब लोग आज से ही लग जाइए पढ़ाई पर, टू डू लिस्ट बनाइए और डेली टारगेट बनाइए छोटे छोटे और उसको अचीव करिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय।